एक तरफ प्रशासन किसानों को उन्नतशील बनाने के दावे कर रही है, रख रखाव के साथ ही उन्हें खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं, बावजूद उनकी गाढ़ी कमाई फसल बारिश में बर्बाद हो जाती है। मंडी में भी यही देखने को मिला, बारिश के चलते उनकी फसल बर्बाद हो गई। कहने को तो रीवा संभागी मुख्यालय यहाँ पर मंडी भी उसी के अनुरूप बनी है। सरकार लाख दावे करे लेकिन हकीकत में कुछ और ही बात दिखाई पड़ती है। इन दिनों गेहूं लेकर किसान मंडी पहुंच रहा है, मंडी के जिम्मेदार लोग किसानों को परेशान करने के रोज कुछ न कुछ तरीके खोज लेते हैं। वही ऊपर वाला भी किसानों से नाराज नजर आ रहा है, एक तरफ मंडी के जिम्मेदार दूसरी तरफ ऊपर वाला, ऐसे में किसान कहाँ जाए। किसान जो गेहूँ लेकर मंडी पहुँचता है उसकी समय पर तौल नहीं होती। मंडी प्रबंधक मानते हैं किसान थोड़ा बहुत परेशान होगा लेकिन मान जाएगा। वहीं दूसरी ओर एकाएक हुई बारिश ने मंडी प्रशासन की तमाम पोल खोल कर रख दी, हजारों क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया। हम आपको बता दें रीवा की मंडी में लगभग 11 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदारी की गई है, लगभग 8 लाख क्विंटल के आसपास का गेहूं उठा है, बाकी क्विंटल गेहूं अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। कल पानी बरसा तो भीगा गेहूँ। सूख गया सब।